जोहार नमस्कार। आज मैं बात करूंगा उन दर्शकों से जो कि शराब के शौकीन हैं, जो शाम ढलते ही घड़ी देखने लगते हैं कि कब 7 बजेंगे और बोतल की ढक्कन खुलेगी। तो ऐसे दर्शकों के लिए आज की खबर बेहद खास रहने वाली, अंत तक देखिएगा क्योंकि आज कुछ ऐसी खबर आपको दूंगा कि कई रातों की आपकी नींद उड़ जाएगी, मारे खुशी के या मारे सदमे के, ये आपको तय करना है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक कहानी छोटी सी सबसे पहले सुनाना चाहूँगा कि कुछ समय पहले की बात है। एक बहुत ही लोकप्रिय ड्रिंक है जिसे रूह अफ़ज़ा के नाम से पुकारते हैं। कुछ समय पहले अचानक से मार्केट से रूह अफ़ज़ा गायब हो गया। कारण था कि इसके उत्पादन में कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी। उसी समय में एक अन्य ब्रांड है पतंजलि, जो कि गुलाब रस के नाम से बना रही थी एक ड्रिंक। इस ड्रिंक को रूह अफ़ज़ा के कंपटीटर के तौर पर, यानी कि उसके प्रतिद्वंदी के तौर पर लोग देख रहे थे। इसी दरमियान में एक खास त्यौहार आ जाता है, जिसमें कि 30 दिनों की उपवास के बाद एक विशेष त्यौहार आता है। उसी त्यौहार के सिलसिले में मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि रूह अफ़ज़ा मिल नहीं रहा है, उस जैसा कोई अच्छा ड्रिंक के बारे में जानकारी हो, जिससे कि इस जो त्यौहार में सबसे पहले जब मैं अपना उपवास तोड़ूंगा तो उस ड्रिंक को पी करके मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगा। तो मैंने उसे कहा कि अपने इबादत के बाद आप ये गुलाब रस भी पी सकते हैं, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। उन्होंने वो रस पीने से पहले ही मुझे उस दिन फ़ोन किया और काफ़ी भला बुरा कहा, क्योंकि उस पर मोटे शब्दों में अंकित था कि इसमें गोमूत्र मिक्सित है। बस इस गोमूत्र विवाद के कारण हमारी दोस्ती ही उससे टूट गई। गाय का जो मूत्र है उसे मिलाकर कई दवाइयां बनाई जाती है। कई लोगों के अपने अपने तर्क है, कुछ लोग उन्हें पवित्र मानते हैं, कुछ लोग उन्हें अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उन्हें अपने विश्वास पर आघात मानते हैं, कुछ लोग उसे गलत मानते हैं। तो भाई, गाय के मूत्र से बनने वाली औषधियों में कई तरह के विवाद हैं, मगर अगर किसी इंसान को इंसान का मूत्र पिला दिया जाए तो कैसा होगा? जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा, मगर आप जानते नहीं हैं और इसे स्वाद ले लेकर पी रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दर्शकों, मेरे ड्रिंक पीने वाले दर्शकों, ऐसा हो रहा है आपके साथ में, और आप अनजाने में बहुत ही स्वाद लेकर के जिस ड्रिंक को पी रहे हैं, उस ड्रिंक में कई तरह के विदेशी, कई तरह के विभिन्न प्रजातियों के मनुष्यों का मूत्र मिक्सित है, मूत्र मिला हुआ है। और इस ड्रिंक का नाम है बियर। शराब की दुनिया में जो लोग आते हैं वो सबसे पहले जिस खूंटे को पकड़ते हैं उसका नाम है बियर। बहुत लोग बियर की वकालत करते हैं कि बियर पीने से नशा नहीं होता, बियर शराब नहीं है। हालांकि स्पष्ट रूप से हर बियर की बोतल और केन पर लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बियर पीने से कई तरह के नुकसान होते हैं, बियर पीने वाले के शरीर में सूजन हो जाती है। हालांकि लोग उसे भी पॉजिटिवली लेते हैं कि उसकी सेहत कुछ अच्छी लगने लगी, थोड़ा मोटा तगड़ा दिखने लगा है। तो भैया, इस मोटा तगड़ा दिखने के चाहत में आप मूत्र पीते जा रहे हैं। अब मेरी बात पे जो यकीन नहीं कर रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि अपने गूगल में एक नाम टाइप करिए। एक बहुत ही इंटरनेशनल, एक बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है न्यू ब्रू बियर। महंगा भी आता है काफ़ी, हर दुकान में मिलता नहीं है, खास खास जो अमीरी वाले दुकान है उसमें मिलता है। तो इस न्यू ब्रू बियर में मिला हुआ है इंसानों का मूत्र, जिसे कि आप लोग बहुत ही अमीरी वाला बियर सोच करके स्वाद ले ले करके पी रहे हैं। इसमें कई तरह के सैकड़ों हजारों इंसानों का मूत्र मिला। अगर यकीन नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं न्यू ब्रू यूरिन। उसके बाद आपको कई तरह के टेस्टिमोनियल, कई तरह के आलेख, कई तरह के वीडियो, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में ये प्रमाणित करते हुए दिखाए जाते हुए मिलेंगे कि किस प्रकार से सिंगापुर की एक कंपनी ने एक आइडिया लगाया कि भैया, बियर जो लोग पीते हैं गलत तो करते ही हैं, तो क्यों ना उन्हें उनकी गलती के लिए थोड़ा सम्मानित किया जाए। तो एक खास अवसर था, 2017 ईस्वी में ये कहानी घटित हुई कि एक खास त्यौहार था यूरोप में सिंगापुर भी है। तो वहाँ पर सिंगापुर की इस न्यू ब्रू कंपनी ने कई तरह के शौचालय बनवाए, वहाँ पर खास तरह के यूरिनल बनवाए और वहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। भाई, अपने देश में जैसे यूरिनल फ्री है वैसा विदेश में नहीं है, वहाँ पैसा लगता है।
मगर वहाँ पर फ्री में यूरिन करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया गया। मकसद था कि उन्हें सभी इंसानों के मूत्र को जमा करना था। लाखों लीटर मूत्र एकत्रित किए गए, फिर उसे प्रोसेस किया गया, कई तरह के उसमें तकनीक लगाए गए और उसके बाद न्यू ब्रू बियर बनके तैयार हो गया। न सिर्फ सिंगापुर बल्कि दुनिया के हर कोने में न्यू ब्रू बियर को बेचा गया। अब जब एक कर्मचारी के रहस्य पर से उद्घाटन किए जाने के बाद जब विवाद बढ़ गया तो उस कंपनी के लोगों से पूछा गया, तो भैया वो तो अपने पक्ष में अपने दलील देंगे ही। उनका कहना है कि भाई पानी की बहुत किल्लत है दुनिया में, सिंगापुर में भी पानी की बहुत किल्लत है, तो इसीलिए उन्होंने इंसानों के मूत्र को लिया और रिसाइकल किया ताकि पानी की किल्लत को कभी भी बाधा न बनने दिया जाए। जो शराब के शौकीन हैं, जो दो पैग लगाने के शौकीन हैं, उनके शौक में, उनकी चाहत में, उनकी इच्छा में किसी तरह की व्यवधान या बाधा ना आए, तो उन्होंने रिसाइकल करके इसमें फ्लेवर मिला करके लोगों को पीने के लिए दिया। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, ये तर्क हैं। अब हमारे जो दर्शक ड्रिंक पीते हैं, जो बियर पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो इन तर्कों से किस हद तक सहमत हैं? क्या वो इंसानों के मूत्र से बने हुए इस ड्रिंक को स्वास्थ्य के लिए अच्छा मान करके पीना चाहेंगे, या वो इस ब्रू ड्रिंक को छोड़ करके अन्य बियर ब्रांड की तरफ जाना चाहेंगे? या किसी दर्शक के मन में आ रहा होगा कि भैया ये तो एक मामला आ गया, न जाने कितनी शराब की कंपनियां होंगी जो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट बिना बताए हुए चुपके चुपके कर रही होंगी, तो शराब छोड़ देना चाहिए। बहरहाल आपका जो भी विचार हो वो हमें बताइएगा कमेंट में ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, युगल किशोर भगत और आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।